नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर उत्तराखंड से है। मुख्यमंत्री ने जवानों के साथ उत्तरकाशी में मनाई दीपावली। जवानों और उनके परिवारों को मुख्यमंत्री ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। सेना एवं आईबीपीपी के जवानों ने सीएम से मुलाकात की। उत्तराखंड का सेना एवं अर्धसैन्य बलों से रहा है गहरा नाता। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी कैंप कोपांक उत्तरकाशी में आईटीबीपी के जवानों एवं हर्षिल उत्तरकाशी में 9वीं बटालियन बिहार रेजिडेंट के सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया एवं जवानों व उनके परिजनों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। जवानों ने मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे कार्य करने का जज्बा और हौसला बढ़ता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि हमारी सेना और अर्धसैन्य बलों के जवान सीमांत एवं दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। इन सैनिकों की वजह से पूरा देश चैन की नींद सोता है। हमारे जवान अपने परिवारों से दूर रहकर देश की रक्षा के लिए जिस वीरता एवं साहस से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, इसके लिए वे निष्पक्ष रूप से बधाई के पात्र होते हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि आज सेना एवं आईटीबीपी के जवानों के साथ मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड का सेना एवं अर्धसैन्य बलों से गहरा नाता रहा है। उत्तराखंड के अनेक जवान इन सैन्य बलों में सेवाएं दे चुके हैं एवं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पिताजी भी सेना में रहे हैं। एक सैनिक परिवार से होने के नाते मेरा सैनिकों से व्यक्तिगत लगाव भी है। सेना एवं अर्ध सैन्य बलों के प्रति देश का सम्मान, श्रद्धा एवं विश्वास का भाव रहता है। हमारे सैन्य बल दुनिया के सर्वोच्च सैन्य बल माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने दुर्गम एवं सीमांत क्षेत्रों में महिला अधिकारी जिस जज्बे के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, यह सबके लिए अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य के IAS IAS एवं IPS अधिकारियों की कैंपिंग हम सीमांत क्षेत्रों में हर साल करेंगे। इस अवसर पर विधायक श्री गोपाल सिंह रावत, मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार डॉक्टर पवार, विशेष सचिव श्री पराग मधुकर ढकाते, जिलाधिकारी उत्तरकाशी श्री मयूर दीक्षित, पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, सेना एवं आईटीबीपी के जवान उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो की रिपोर्ट।